सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है। तो अब अंकित भाई आ गए हैं, थोड़ी बहुत देर बाद तुम्हारा भाई जाने वाला है। बस थोड़े बहुत कपड़े वपड़े चेंज किए, थोड़े बहुत के सारे कपड़े चेंज करने हैं। उसके बाद क्या कल गए, कल गए कार्ड लिखा, कार्ड ये ना कैसे हो जाएगा यार, मैं देखता हूँ। जो गेस्ट से लिया है मैंने, पागल थोड़ी हूँ, बड़ी दिक्कत है यार गाइस। होटल के काम में मेहनत बहुत करनी पड़ती है, चार हजार 490। तो आज तुम्हारा भाई पहनेगा, मैं सोच रहा हूँ लोअर टी शर्ट में चला जाऊँ यार, लोअर टी शर्ट सबसे बेस्ट लगती है मेरे को, तो लोअर टी शर्ट में ही जाऊंगा मैं। खांसी हो यार, डैशबोर्ड पे पिस्टल रखे हैं, फैन है ये भाटी का। तुम्हारा भाई रेडी हो गया है, पीछे भाटी भाई भी रेडी हो गए हैं देहरादून जाने के लिए। हेलमेट तुम्हारे भाई ने ले लिया है, ईयरफोन्स बस टशन मारने के लिए डाल रखी है, और कुछ नहीं है, लगाता मैं वैसे भी नहीं। आज मौसम बारिश वाला हो रहा भाई, बारिश ना हो जाए रास्ते में। तो ये रही हमारे अर्जुन भाई वाली स्कूटी, अब इसको हम सर्विस कराने लेके जाएंगे देहरादून। यार क्यों भाटी भाई, आर यू रेडी मैन, चले। तो गाइस भाटी भाई हंस रहे हैं, और अभी हम जो है बीच में है रोड के, मतलब रोड के बीच में नहीं, रास्ते के बीच में यार अभी। तो देखो अंकल जी, देखो अंकल, अरे यार अंकल ही दिखाने का तुम्हें, अंकल अंकल आंटी लेके घूम रहे हैं आज, पप्पी वप्पी का प्लान है अंकल का। चले क्या, चलो। तो गाइस अब हम जा रहे हैं अपनी मंजिल पे, वे टू देहरादून। जो कैसे जा रहे हैं, देखे तो मियाँ बीवी की तरीके जा रहे हैं। अबे ब्रेक ऐसे क्यों मार रहा है, जो मैं आके आ जाऊँ। गाइस तुम्हारा भाई पहुंच गया है देहरादून ऑलमोस्ट, अभी चाय पीने रुके हैं फिलहाल, अभी दिखाता हूँ। देखो तो ओ भाटी जी, ओ भाटी जी, तो और काला दिख रहा हूँ वहाँ पे, क्या कह रहा है, गुफा में बैठा ना। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ हम कितना पास है, देखो वो दिख रहा है ना, वो छोटा सा जो वो दिख रहा है ना पीक, वो मंदिर का है। अब हम बस पहुँच ही गए हैं यार। और सबसे बढ़िया बात मुझे लगी कि वो शॉर्टकट जो है इतना बढ़िया था ना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ से हम टाइम पे पहुँच गए अपना यार, सही है, समय बच जाएगा तो बढ़िया रहेगा। बाकी तो देखते हैं अभी कितना टाइम लगता आने में। तुम्हारे भाई को यार लड़के देखती देखती जा रही हैं, क्या करूँ यार, तुम्हारा भाई है इतना स्मार्ट यार। क्या अच्छा, ये हमारे भाई काले जरूर है लेकिन स्मार्ट पूरे हैं। देखो ये देखो ये देखो चेहरे पे देखो, एक जंग जीतने वाली रौनक है। चले ब्रो, चलो बस पहुँच गए हैं भाई थोड़ी बहुत देर में। तुम्हारा भाई पहुँच गया छोड़ू, अब थोड़ी बहुत देर हो। हाँ जी दिक्कत इसमें जो है ना, एक तो इसका जो है एक मिरर लगा देना आप, एक मिरर तो इसमें रखा हुआ है, ये गाड़ी भाई की मिरर, प्रॉब्लम होता क्या क्या, एक तो मिरर लगेगा इसमें, और इसमें एक तो मिरर लगेगा, एक इसकी जो एक्सेसरीज है ना। ये देखो यार भैया हमारे ऊपर रहे, भाटी जी का रिएक्शन देखो, भाटी जी तो फुल एकदम, भाटी जी तुम काले हो है लेकिन प्यारे बहुत हैं, कभी जीवन में गर्लफ्रेंड बनाई भाटी जी तुमने, अभी चलते भी सी। तुम्हारे भाई ने पहन लिया हेलमेट, मुझे पता है मैं ऐसा लग रहा हूँ जैसे कि मैं चांद पे जा रहा हूँ, ऐसा हेलमेट है ये, लेकिन कोई बात नहीं। देखो भाटी जी, भाटी जी भाटी पैंट उतारा की, भाटी ने तू तू कर रहा है जंगलों में, क्या कर रहा है
गाइस देखो हमें भाटी जी मिल गए हैं वो भी सुसु करते हुए, और तुम्हें मैं स्कूटी दिखाऊं भाई, एक नंबर सर्विस करा के दी है। लेकिन वो शोरूम वाले चूतिया थे साले, वैसे फ्री सर्विस करानी नहीं चाहिए यार, वैसे करानी तो नहीं चाहिए क्योंकि बेइज्जती हो गई यार आज मेरी। देखो अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसी लग रही है अपनी स्कूटी, ओ कैसी चमक रही है ये भाटी सी ज़्यादा चमक रही है। ये देखो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है बे। देखो भाई ये जंगल में हमारा भाई भाटी जी, काफ़ी ठंड तो देख रहे हो भाई, कितनी देर बाद धूप देखी तुम्हारे भाई ने, बारिश में भीगा ऐसे ऐसी मराई मैंने। अब भाटी जी वो खड़े भाटी देखो लिख के इधर मुड़, हालत बुरी हो गई यार तुम्हारे भाई की, चपरासी से लग रहा तुम्हारे भाई, जुकाम भी हो गया है बहुत तगड़ा, ठंड तो लगी रही है। ये रहे हमारे भाटी जी, भाटी जी शक्ल दिखा, अरे थूत दिखा पैर, काले थूत दिखा क्या क्या, एक बार और भाटी भाटी यही स्ट्रेटजी के साथ कैसा आदमी यार, हम तो अपनी गैल ऐसा बंदा लेके घूमते हैं बहुत ही अलग सा बंदा। अब देख सुन भाटी, चल छोड़ कोई बात नहीं, तरीके से बनाने ही आते ना इसको चीजें, बंदा मैं पहाड़ का तेरे साथ लगाऊं आज B06 में दुनिया घुमाऊं। ओ ओ ओ भाटी का गाना सुनो, भाटी का गाना अब नहीं, नहीं फर्स्ट स्टेशन वाला गाना प्लीज प्लीज। अबे बोल भोसड़ी के, तेरे को अटेंडेंस में थोड़ी कड़क है, वो को थोड़ा उसमें पीटी में थोड़ी तेरी स्माइल करे किल। ओए 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 गाइस धूप निकली, देखो यार सनसेट दिखाओ ना, सनसेट थोड़ी हो रहा चूती है, अभी नहीं हो रहा, ये तो अलग ही बात करता है यार, होने वाला है अभी जस्ट। तो भाई स्कूटी हमारी एकदम छिगी विगी हुई पड़ी है मेरे भाई की, अभी तो हो जाएगा जब भी होगा सनसेट, तो तेरा भाई फोन तो कर देगा सूरज, मैं सूरज के पास चिपक जाऊं। ओ भाई अलग ही लेवल है भाई, अलग ही लेवल है थार का। हम वहां नहीं बैठते तो क्या हाल हो रहा था हमारा भी, बहुत बुरा हाल हो रहा था भाई। है नहीं और कुछ और क्या बोलना चाहेंगे, धूप निकली सूर्य महाराज को हम प्रणाम करना चाहेंगे इससे ज्यादा। भाटी जी तो फालतू बोलते हैं, बकचोदी करते हैं भाटी जी, भाटी जी भाई साहब धूप निकली इतनी खुशी हुई ना बाकी कसम, तो वो चीज है ठंड से काँप रहे थे हम। लेकिन भाई मैं तो बहुत बुरा हाल है मेरा तो बहुत ही बुरा हाल है, ठंड इतनी लग रही थी ना मेरे को बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। इस टाइम हम मसूरी के ऑन द वे हैं और मेरे हिसाब से शायद 2 या 3 किलोमीटर का रास्ता रह रहा है, 2 या 3 किलोमीटर ज़्यादा कितना 5-6 किलोमीटर का समथिंग रह रहा है, और मेरे हिसाब से इतना भी कोई ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा तो है जी बाकी तो खैर अपना इलाका आ गया। हैप्पीनेस इसलिए है क्योंकि भाई की स्कूटी की सर्विस हो गई है, ये देखो मेरा भाई की स्कूटी की सर्विस हो गई है और ओके हो गई है, ओपी 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 ओपी। अब क्या करें, अभी मैंने अर्जुन भाई कॉल करता, अर्जुन भाई कह रहा है शांति करा, मेरे को तुम्हारा छोटा भाई हो यार, अब यार क्या कर सकते हैं यार, भाई ब्लड नहीं यार दिल से भाई है वो मेरे, पता है जहाँ मैं काम करता हूँ जिस होटल में, तो वहाँ पर मतलब जितना भी स्टाफ है सबको एक मतलब ऐसा प्यार करता है यार तुम्हारा भाई, कि मतलब देखो यार मैं कहीं रह रहा हूँ कौन संभाल रहा है, माँ बाप तो है नहीं यार यहाँ पे, माँ बाप तो अगर बाहर रह रहे हैं तो वो चीज़ होती है कि स्टाफ भी जो है माँ बाप जैसा बराबर होता है, तो उसको उसी हिसाब से ट्रीट करना चाहिए, तो मैं तो उनको वैसे ही करता हूँ यार भाई, मेरी तो फैमिली है। क्यों जी भाटी जी क्या बोलना हमने बताओ ये तो काली कांड है, ये नहीं बोले कुछ भी यार, मैं बीजी से खाली देता हूँ तेरे चक्कर में, मैं फालतू की। चलो ठीक है गाइस, यो अब चलते हैं थोड़ी आगे जाके बात करता हूँ।